नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते, आइए आइए, बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक। आइए बैठिए। जी। अरे आजकल मैं यूट्यूब पे आपकी बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ। अरे थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे और मेरे घर वालों को आपकी रेसिपीज बहुत पसंद आई है, तो क्या आज आप हमारे लिए कुछ अच्छा सा बनाकर खिला सकते हो? जी हाँ बिल्कुल, अभी मैं आपके लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। मम्मी घर तो मेहमान आए हैं और वो कुछ स्पेशल खाने की डिमांड कर रहे हैं। भैया आज तुझे पता था ना, मैंने आज पूरन पूरी बनाना है। पूरन पूरी? हाँ, ये की रेसिपी है और ये पूरन पूरी बनाते हैं। जा खा के देखना, बहुत टेस्टी और बढ़िया है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र के ट्रेडिशनल डिश पूरन पोली। तो पूरन पोली बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कटोरी मैदा ले लेना है, उसे हमने छान लेना है। आप जब भी मैदा या बेसन इस तरह की कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसे पहले छान लेना चाहिए। अब हम इसके अंदर एक चम्मच तेल डालेंगे। आप या तो रिफाइन ऑयल डाल सकते हैं या देसी घी भी डाल सकते हैं। यह हमने एक चुटकी नमक डाल दिया है और थोड़ा सा हल्दी। यह हमने इसको एक सॉफ्ट डो बना लेना है। जैसे कि आप आटा गूंथते हैं उसी तरह इसका भी आटा गूंथ लेना है। ये डो बन चुका है। ये हमने चने की दाल ली थी जो हमने 1 से 2 घंटे तक भिगो के रखी थी। अब हम इसे कुकर में थोड़ा सा पकाएंगे। हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो हमारी दाल है वो सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये हमने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। अब हम इसे मिक्सी के जार में ग्राइंड करेंगे। अब हमने एक कढ़ाई में ये गुड़ ले लिया। आप चाहे तो शक्कर ले सकते हैं या चीनी भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। ये ऊपर से हमने अपनी ग्राइंड की हुई चने की दाल डाली है। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से पीसी हुई इलायची। जब भी आप कोई स्वीट बनाते हैं तो इलायची तो ज़रूर डालते हैं इसमें, तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो हमने इसे अच्छे से चलाना है ताकि ये इसका हलवा टाइप बन जाए हमारे चने की दाल का। अब हम अपनी डो का एक पेड़ा ले लेंगे इस तरह से। उसमें थोड़ा सा ऊपर से सूखा मैदा लगाएंगे और इसके पूरी की तरह इसे बेलेंगे। हमने इसको 2 टाइप से बनाएंगे। एक इसकी पूरी टाइप बनाएंगे, दूसरे जिस तरह से पराठा बनाते हैं हम उसी टाइप बनाएंगे। तो ये हमने इस तरह से इसकी एक पूरी बना लेनी है। इसी तरह हमने 2 पूरी बना लेनी है जिसके बीच में हम अपनी स्टफिंग रखेंगे। जब तक मैं अपनी पूरी बेल रही हूँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो हमारी पूरी है, अब हमने एक पूरी के बीच में ही अपनी स्टफिंग रख देनी है चने की दाल की, और इसे अच्छे से चारों तरफ फैला देना है ताकि जो स्टफिंग है हमारी वो अच्छे से पूरी में आ जाए और चारों तरफ मिल जाए। ये हमने अपनी स्टफिंग अच्छे से फैला दी है। अब हम इस पे ये अपनी दूसरी पूरी रखेंगे जो हमने बनाई थी, और इसको अच्छे से इस तरह से उंगली की सहायता से ऊपर से दबा प्रेस कर देंगे ताकि ये जो इसके साथ चिपक जाए। अब हम इसमें डिज़ाइन देने के लिए ये फोक की सहायता से साइड में इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो इसमें एक डिज़ाइन टाइप आ जाए। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा डिज़ाइन बन चुका है इसमें। जो ये महाराष्ट्र की पूरन पोली रेसिपी है, ये हर त्यौहार पे वहाँ पर बनाई जाती है, चाहे वो दिवाली हो या गुड़ी पड़वा हो। मेरी मम्मी भी महाराष्ट्र की है तो ये उनकी भी फेवरेट रेसिपी है। अभी हमने कढ़ाई में रिफाइन ऑयल गरम कर लिया है। हमने इसमें अपनी पूरी तलने के लिए डाल दी है। हम इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसे स्लो ही आंच पे पकाना है ताकि जो हमारा ये मैदा है अच्छे से पक जाए, ये पूरी है अच्छे से पक जाए। ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर आ रहा है इसमें।
ये देख सकते हैं हमारी पूरी तलकर तैयार है। अब हम इसे दूसरी तरह से बनाएंगे। ये हमने एक पेड़ा ले लिया है इस तरह से। अब हम इसे रोटी की तरह बेलेंगे। अब हम इसमें जो चने की दाल की स्टफिंग है वो डालेंगे और इसे अच्छे से इस तरह से इसकी पोटली से बना देंगे, जैसे कि आप पराठा बनाते हैं तो उसमें स्टफिंग डाल के इस तरह से बंद कर देते हैं, उसी तरह से हमने इसको बंद कर देना है अच्छे से। अब हम इसे बेलेंगे पराठे की तरह, जिस तरह से आप पराठा बेलते हैं उसी तरह से हमने इसे भी गोल गोल बेलना है। ये हमने बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम एक क्या लेंगे, फ्राई पैन, उसमें ये हमने देसी घी लगा दिया है इसमें। अब हम इसमें अपनी पूरन पोली डालेंगे। इसको पराठे की तरह ही सेकना है, जैसे कि आप पराठा सेकते हैं उसी तरह इसे भी सेकना है। लगता है हमारा एक तरह से पक चुका है, तो हमने इसे पलट दिया है। अब हम इसके ऊपर वाली साइड भी देसी घी लगाएंगे। ये हमने दोबारा पलट दिया इसे और ऊपर से थोड़ा सा और देसी घी लगा दिया है। ये देख सकते हैं हमारा जो पराठा है ये सिककर तैयार है, हमारी पूरन पोली जो ये हमारी बनकर तैयार है। आप भी घर पे इसे बनाइए और बताइए हमारी पूरन पोली की रेसिपी आपको कैसी लगी है। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।